पंजाब गवर्नर महोदय, जो पंजाब की धरती पर नहीं, पंजाब के लिए तो निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव से कि आपको पंजाब तो पधारना ही पड़ेगा, पर अभी पूज्य प्रवर मेवाड़ में पधारे हैं, भीलवाड़ा चतुर्मास करने के लिए पधारे हैं, तो ये भी भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं, आज गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात। परम श्रद्धे राष्ट्र संत शांति दूत के श्री जैन सितंबर तेरापंथ महासंघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी का आज वीर भूमि त्याग और बलिदान के इस मेवाड़ धारा पर मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस सभा के अंदर यहाँ पे विराजे हुए मेरे सभी पुराने साथी, हमारे एमपी साहब, एमएलए मानल, आसीन भीलवाड़ा, हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब नए बने हुए, और मुझे बहुत खुशी है कि 200 करीब साधु संत भी भीलवाड़ा के अंदर पूरे 4 महीने तक चतुर्मास यहाँ पे विराजे, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मुझे याद है कि 3 साल पहले 2018 के अंदर चेन्नई के अंदर जब महाश्रमण जी विराज रहे थे, तो भीलवाड़ा के यहां से बहुत सारे पधारे थे आपको यहाँ स्वागत करने के लिए चतुर्मास के लिए। मैं भी भीलवाड़ा का ही हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके यहाँ पदार्पण पर मेरा यहाँ पे आपको स्वागत करने का मेरे को मौका मिल रहा है। पर चेन्नई के अंदर में जब मैं आपके पास में हाजिर हुआ था, करीब 300 परिवार पंजाब के वहां पे पधारे थे, और आपको वहां पंजाब के अंदर भी चतुर्मास या कोई प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां मुझे आज ये प्रधानमंत्री ने एक मौका दिया है वहां के राज्यपाल बनने का, पंजाब भी ऋषि मुनियों का सींचा हुआ प्रदेश, जितने भी आक्रमण हुए हैं देश पर पंजाब की धरती से ही आकर हिंदुस्तान के अंदर आक्रमण हुए हैं, ऐसा प्रदेश है। और वहां पे बहुत उत्सुकता से आप लोगों को बुलाने का आग्रह चेन्नई में भी किया था, आज भी मैं कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि भीलवाड़ा तो आपने चतुर्मास यहां विराजे हैं, हमारे आज की जो आपने हमारे को एक पाठ पढ़ाया डेमोक्रेसी, क्या ड्यूटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अहिंसा पे भी जो आपने बताया कि अगर आक्रमण हो तो एक अहिंसा के अंदर भी एक धर्म बन जाता है कि वो आक्रमण से पूरा निपटा जाए। ऐसे नहीं कि कह दें कि साहब हम तो अहिंसा के अंदर हम उसी में बिलीव करते हैं और हम इसका कैसे जवाब देंगे। और इसी बात पर मुझे याद आता है कि जिस वंश से मैं आता हूं, मीराबाई उनके भाई जयमल जी, और जयमल जी का मेवाड़ के अंदर बहुत बड़ा नाम है, पर जो मैं आज बात रखना चाहता हूं कि उनके पुत्र मनमन दास जी को हुक्म हुआ था मेवाड़ सेना के कि आप जाओ रानपुर की, जो जिसको रानपुर पहले कहते थे, रनकपुर के मंदिर,
आप, क्योंकि औरंगजेब ने वहां पे सेना भेज दी, उससे जाकर लड़ो और कुछ आंच भी नहीं आनी चाहिए। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मेवाड़ के अंदर, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। मनमोहन दास जी जयमल जी के पौत्र 70 साल के, उन्होंने आक्रमण उन औरंगजेब की सेना पर किया और एक आंच भी रणकपुर पर नहीं आने दी और खुद वहां पे काम आए। पर उन्होंने वहां पे जाकर और अहिंसा के भी जो अपने मंदिर हैं उनका बचाव भी किया। आज एक ऐसा समय, भीलवाड़ा पधारे हैं, ये तो पूरा भर जाए, बाहर से भी लोग इतने बाहर से आ रहे हैं, पर ये महामारी कोविड के समय के कारण कुछ समस्या है, इसीलिए आपको वर्चुअल, जैसे हमारे रामलाल जी कह रहे थे, वर्चुअली संदेश पाठ्य आपको करना पड़ रहा है। और उसके कारण मुझे भी अभी रास्ते में रोका कि हमारे को भी तो दर्शन करने आप वहां से आए हैं। मैंने कहा सबका मौका आएगा, सब दर्शन करेंगे, पर जो डेमोक्रेसी के अंदर जैसा आप फरमा रहे थे कि सड़क पे नहीं सो सकते, वैसे ही सब को जो यहाँ के कोविड प्रोटोकॉल है उसका तो हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आज मास्क पहनना हमारे को जरूरी हो गया है और हम सब जनों को एक नया नॉर्म पूरे दुनिया के अंदर है कि मास्क पहनना चाहिए, शायद वो बात भी हमारे आपके 1500-2000 साल पहले मुंह पट्टी का नाम जो मास्क है वो आप लोगों ने हम लोगों को सिखाया है और वो मास्क भी आप की ही देन। मुझे याद है कि 2008 के अंदर आप युवाचार्य और महाप्रज्ञा जी का प्रोग्राम आसीन के अंदर, और एक साल तक हमने तैयारी की। आज तो ये भीलवाड़ा तो इतना बड़ा नगर, इतने बड़े नगर के अंदर तो व्यवस्था करना बड़ा आसान। आसीन एक छोटा सा कस्बा, मैं वहां पे एमएलए और एमपी रहा, और वहां पे जब आप युवाचार्य 2008 के अंदर पधारे थे और महाप्रज्ञा जी पधारे थे, अस्वस्थ भी हो गए थे, तो हम लोगों को ये तो नहीं कहना चाहिए कि खुशी हुई, पर एक महीने की जगह 2 महीने विराजना आप लोगों का वहां पे हुआ। हमने व्यवस्था की थी और इतनी एक साल तक व्यवस्था हम लोगों को करनी थी। मुझे याद है कि हमारे मुख्यमंत्री से मैं जाकर और इतना फंड लेके आया कि सब सड़कें दूसरी और व्यवस्था हम लोगों ने वहां पे की, वो भी मुझे याद है कि आप वहां पधारे, पर आज आप भीलवाड़ा में विराजे हैं और इससे ज्यादा हम लोगों को खुशी नहीं हो सकती। और 4 महीने तक इतना कुछ यहाँ के लोगों का सौभाग्य है कि उनको आपका पाठ, आपके अनुव्रत के बारे में जानकारी, अलग अलग जानकारी आपके यहाँ से मिली। मैं अनुव्रत समझने की कोशिश कर रहा हूं और अनुव्रत जो साध्य आपके हैं और उसके अंदर एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ गई, तो मैं सोचता हूं कि मैं आपके चरणों के अंदर वंदन करूं। महाराजा धीराज हरिश्चंद्र जी का बहुत बड़ा नाम, और महाराजा धीराज हरिश्चंद्र जी इतने दानी महाराजा हुए हैं और इसीलिए उनको महाराजा धीराज किया जाए। एक दिन उनके दरबार के अंदर एक बहुत बड़े ज्योतिष वहां पे दरबार के अंदर उनके वहां पे आ गए, तो महाराजा धीराज
हरिश्चंद्र को बताया कि आज दरबार के अंदर आपके ये ज्योतिष आए। ज्योतिष जी से महाराज अधिराज हरिश्चंद्र जी ने पूछा, बताओ ज्योतिषी, आप इतना बड़ा नाम है आपका, मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या मेरे लिए क्या कहते हैं आप? ज्योतिष ने कहा कि मेरी आज ज्योतिषी पूरी फेल हो रही है, और फेल इसलिए हो रही है कि मैं जो सामने देख रहा हूं एक बहुत साधारण व्यक्ति को देख रहा हूं। जब मैं जानता हूं कि मैं इस दरबार में हूं, आप महाराजा अधिराज हरिश्चंद्र हैं, इतने दानी हैं, इतने कर्मयोगी हैं, पर ये कैसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। महाराज अधिराज हरिश्चंद्र जी ने कहा कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, मैं एक छोटा सा साधारण व्यक्ति हूं और आज मेरे कार्य मेरे कर्म के कारण ही मैं इस जगह में बैठा हूं। और यही अनुव्रत, छोटी छोटी बातों का ध्यान करना और उनका फल आपको जरूर इसी जिंदगी के अंदर मिलेगा। और यही मैंने जो कुछ अनुव्रत पर सीखा तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं अर्ज करूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर फिर मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, इतने साधु संत यहाँ पे विराजे हैं, साधु यहाँ पे विराजे हैं, उनके दर्शन करने का मौका मेरे को मिला है। पंजाब के अंदर जब जब भी कार्यक्रम, क्योंकि यहीं से गए विनय कुमार मुनि, विनय कुमार जी और अभय कुमार जी, उनको क्योंकि हमारे भी एक प्रोटोकॉल होता है राजभवन के अंदर कि कोई भी ऐसा नहीं आ सकता, पहले परमिशन लेनी पड़ती है एडीसी से, उसको अपॉइंटमेंट मिलता है। पर हमारे मुनि विनय कुमार जी जो भीलवाड़ा से ही वहां पे आपने भेजा है, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल कोई नहीं, अभय कुमार जी जब भी चाहते हैं वहां पे पधार जाते हैं। और राजभवन के अंदर हमने मां प्रज्ञा जी का जो जन्म शताब्दी का जो कार्यक्रम आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाया, हमने राजभवन के अंदर बनाया, वो शताब्दी का उनका कार्यक्रम पूरे राजभवन में बनाया। और ऐसे भी महावीर जयंती पर भी हम लोग राजभवन के अंदर कार्यक्रम रखते हैं। और इसलिए मैं आज आपके चरणों में निवेदन पंजाब की ओर से कर रहा हूं। मैं कितने दिन वहां रहूं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे तो 5 साल होने जा रहे हैं। अब मैं पीछा यहाँ जल्दी ही भीलवाड़ा में पीछा आऊंगा, पर आज आपके चरणों में यही निवेदन करने जा रहा हूं कि पंजाब ऋषि मुनियों का से सींचा हुआ पंजाब, जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया पंजाब, जिसने हम इतने सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, 65, 71 सब वहीं पंजाब के अंदर भी लड़ी गई, ऐसा प्रदेश के अंदर भी आप बता रहे हैं। इतना ही आज मैं निवेदन करने के लिए हाजिर रहा हूं। आज मैं फिर पीछा जाऊंगा, पर मेरा सौभाग्य है कि भीलवाड़ा के अंदर आज मैं आपके स्वागत के लिए यहां पे हाजिर हो चुका। मेरा बहुत बहुत आपको अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।